ओए मैं तो भूल ही गया, मेरा मोबाइल से तो गाने चल रहे थे, गाने बंद हो गए। एक्चुअली तो इसी बात पे व्लॉग बना लेते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफ इज अबाउट राइट। सो आज मैं जा रहा हूँ जयपुर, क्योंकि मेरा फ्लाइट है कल आसाम जाने के लिए। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई विल बी विजिटिंग आसाम विच इज ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, एंड आई विल बी विजिटिंग देयर फॉर द फर्स्ट टाइम। सो अभी तो मैं अपनी कार में हूँ, जयपुर जा रहा हूँ। जयपुर से मेरी फ्लाइट है गुवाहाटी के लिए, गुवाहाटी विच इज़ लाइक द कैपिटल सिटी ऑफ आसाम। एंड वहाँ से मैं रहने का प्लान कर रहा हूँ रंगपाड़ा, विच इज़ माई रिलेटिव प्लेस नाउ। एंड आई एम एक्चुअली प्लानिंग टू विजिट तवंग, बट नॉट श्योर इफ विल गेट द परमिशन टू डू दैट, बिकॉज कोविड चल रहा है, तो कोविड के अंदर परमिशन मिलना नहीं मिलना सब भगवान भरोसे है। सो लेट्स सी कैसा चलता है सब। सो हम लोग पहुंच गए भाकरोटा, भाकरोटा क्रॉस कर लिया है अपन ने, ऑलमोस्ट जयपुर में है। तो पहले हम जा रहे हैं फोटोग्राफ साहब के पास, जिसने हमारी मैरिज शूटिंग का वीडियो बनाया था। तो फाइनली वो दिन आ गया जब मुझे मेरा वो कंटेंट मिलने वाला है। प्रोबेबली मैं उसको यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, या शायद वो भैया ही करेंगे, लेट्स सी। सो पहले हम वहाँ जाने वाले हैं। हेलो गाइस, सो मैं हूँ जयपुर एयरपोर्ट पे एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आसाम। हमारी गुवाहाटी की फ्लाइट है अभी 2:15 पे। सो अभी वेटिंग लॉन्च में है। हमें स्पाइस जेट की तरफ से कुछ शील्ड्स मिली है, जितने बोर्डिंग पास थे उसके हिसाब से। सो दिस वन शील्ड, वन मास्क एंड फ्यू सैनिटाइजर्स, टू बी एग्जैक्ट 5 सैनिटाइजर बॉक्स पाउचेस। सो आई थिंक इट्स गुड, बट अदर देन दिस दे हैव ऑल्सो मार्क्ड ऑल द चेयर्स विथ यू नो सोशल डिस्टेंसिंग मेजर, दैट बीच में नहीं बैठना किसी को, एक सीट छोड़ के बैठना है वगैरह वगैरह। हम पूरी एक फैमिली हैं तो एक हमारे को ज़रूरत नहीं है। यप आई थिंक बाकी ओवरऑल तो भीड़ है थोड़ी ज़्यादा। दे हैव अरेंज फॉर दिस एक्स्ट्रा दिस पर्टिकुलर एरिया है। ये एरिया अभी नया है, लेकिन आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, उन्होंने भीड़ का ध्यान रखते हुए ये सब कराया, क्योंकि पहले जहाँ पे 3 लोग बैठते थे वहाँ पे 2 ही लोग बैठ पाएंगे, तो ऑफकोर्स भीड़ बढ़ेगी। एंड यू नो एवरीवन एवरीवन वांट्स टू सेट एवरी वांट्स टू जस्ट स्टैंड फॉर लाइक 1 आवर और सो। से हाय वो जू, हाय बोलो हाय। आसाम एयरपोर्ट राइट नाउ, बहुत अच्छे से लोग चेकिंग वेकिंग कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर्म वॉर्म भरवा लिया बहुत सारा, क्या पता क्या होने जाने वाला है। बट आई थिंक आसाम का एयरपोर्ट भी जयपुर जितना ही बड़ा है, जयपुर जितना ही बड़ा होगा ना आसाम का एयरपोर्ट। दो ना हाथ पे, हाथ में दो, हाथ में ये पूरा एयरपोर्ट पार्किंग वाला एरिया है क्या? देखना पड़ेगा। हेलो गाइस, सो मैं हूँ अभी रंगापाड़ा के रास्ते में। तो मैं गुवाहाटी से रंगापाड़ा जा रहा हूँ, अभी पहुँचे नहीं है, अभी भी खाना खाने रुक गए थे कहीं पे, तो अभी हमारे को पास होता है आई थिंक 10:30-11 बज जाएगी। रोड्स बढ़िया है एक्चुअली, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि रोड्स अच्छे होंगे, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रोड्स अच्छे नहीं है, आधे रास्ते के बाद रोड्स ख़राब हो जाते हैं। बट ऑलमोस्ट हमने आधा रास्ता क्रॉस किया है एंड अभी तक रास्ते अच्छे ही हैं। हाँ ये अलग बात है कि अभी ये 2 लेन रोड चल रहा है, तो ओवरटेक करते रहना पड़ रहा है पूरा टाइम। थैंक गॉड ड्राइवर लेके आए थे, नहीं तो हम लोग परेशान हो जाते ड्राइव करते करते। सो अभी कोई पान वाला फेमस है, वहाँ पे आके रुके हैं। हाँ हेलो क्या भैया,